अनोखे हो गई वाह गई वाह अनोखे हो। Come in. आपने मुझे बुलाया सर? हाँ। एक्चुअली मैंने नहीं, महक ने तुम्हें बुलाया। जी डरो मत, तुम्हारी तारीफ करने के लिए बुलाया, शिकायत करने के लिए नहीं। इनफैक्ट तारीफ भी नहीं, पागल हो गई है तुम्हारे हाथ के खाने पे। तो मैंने इसे कहा कि इसमें हैरानी की क्या बात है, क्योंकि गुलशन के खाने पे तो हमारा सारा शहर फिदा है। हमने भी यही सुना है, इसलिए हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते थे। तुम मना करना चाहते हो तो कर सकते हो, हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। तुम्हारे आशु सर भी तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। जी मुझे क्या करना होगा? गुलशन, तुम्हें महक को अपनी असिस्टेंट बनाना होगा। मतलब कि तुम्हारे हाथों का जादू हमें देना है गुलशन, प्लीज। क्या तुम हमें खाना बनाना सिखाओगे? प्लीज। मैं, इट्स ओके, अगर आप नहीं सिखाना चाहते तो भी ठीक है। हम जानते हैं बड़े बड़े शेफ्स अपनी सीक्रेट्स बताना नहीं चाहते। इट्स रियली ओके। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा ना। सच? थैंक यू सो मच गुलशन, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम महक। अब अगर सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया तो आप लोग अपना काम कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत काम है फिलहाल। हम कब से आ सकते हैं? अभी से शुरू कर सकती हूँ। ग्रेट, चलिए आपकी असिस्टेंट तैयार है। चलिए। तो बताइए क्या क्या सीखना चाहेंगी आप? जो कुछ भी आशु जी को पसंद है वो सब कुछ। जी मेरा मतलब है, आशु जी को तो तुम हमें गलत समझ रहे हो गुलशन। हम उन्हें फंसा नहीं रहे, हम तो बस एक दोस्त की हैसियत से उनका दर्द कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे आशु सर बहुत दुखी हैं। वो हंसते हैं, मजाक करते हैं, पर अंदर ही अंदर टूट रहे हैं बेचारे। और उनके इस दुख का कारण है तुम्हारी बहन अन्नू। उसने आशु सर के साथ अच्छा नहीं किया। हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम्हारी बहन अन्नू ने जो जख्म दिए हैं आशु जी को, वो किसी तरह भर जाएं। किसी तरह आशु जी अन्नू को भुला दें। बस इतना ही चाहते हैं।
तुम इसमें हमारी मदद करोगे ना गुलशन? बोलो गुलशन, क्या तुम हमारी मदद करोगी आशु जी के दिल से अन्नू को निकालने में? मैं कैसे अन्नू को भुलाने में? अन्नू तो मैं हूं। स्वीटहार्ट जी, माना कि दीदी का ये जो आइडिया है थोड़ा जल्दबाजी वाला है, लेकिन हो सकता है इससे अन्नू के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए, तो हर्जी क्या है? नहीं अनमोल जी, मुझे लगता है जब तक अन्नु इस हादसे को पूरी तरह से भुला न दे, हमें आगे की नहीं सोचना चाहिए। अरे आप समझाइए ना दीदी को। स्वीटहार्ट जी, हम चाहे या ना चाहे, हमें आगे की तो सोचनी है ना। आखिर कब तक उस गुजरे हुए कल की कड़वी यादों को सोचते रहेंगे? कब तक उससे घबराते रहेंगे? स्वीटहार्ट जी, सिर्फ अन्नू को ही नहीं, हम सबको उस हादसे की याद को भुलाना पड़ेगा और आगे बढ़ना होगा। अब गुलशन, गुलशन तुम ठीक हो ना? क्या क्या कह रहे हो? सॉरी, आई एम सॉरी मैम, मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या बड़बड़ा रहा था। मेरा कहने का मतलब ये था कि अन्नु को आशु सर के दिल से भुलाने में मैं क्या मदद कर सकता हूँ। मुझे तो पता भी नहीं है कि अन्नु और आशु सर के बीच क्या था। मेरी बहन मुझे कुछ नहीं बताती है। पर गुलशन, तुम चाहो तो पता लगा सकते हो। देखो, तुम्हारी बहन तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश है और भगवान करे हमेशा रहे, पर आशु जी की हालत तो तुम देख ही रहे हो ना, वो अंदर से टूट चुके हैं। तुम्हारी बहन को तो शायद इस बात का एहसास तक नहीं है कि आशु जी की क्या हालत है। हर पल उसे याद करते हैं, खुद से हर चीज से नाराज रहते हैं। गुलशन, तुम्हारी बहन ने जाने अनजाने में आशु जी से उनकी जिंदगी छीन ली है। गुलशन, गुलशन, हाँ गुलशन, क्या तुम अपने दोस्त और अपने बॉस आशु जी को खुश देखना चाहते हो? तो फिर क्या तुम हमारी मदद करोगे गुलशन, आशु सर के दिल से अनु का प्यार मिटाने में? अनमोल काके, क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं होया, अब मैं आ गई हूँ ना, सब छुप ही होगा। पंडित जी ने हमारी अन्नू की कुंडली बना लिया है, कहते हैं हमारी अन्नू लाखों में एक है, महारानी बन के राज करेगी सारी जिंदगी। ओ जी, सही कह रही हैं आप, आपके मुंह में घी शक्कर, आपके पंडित जी ने तो आज कहा है। मैं तो हमेशा से बब्बा जी से यही मिन्नतें मांगती हूँ कि हमारी अन्नू सदा महारानी की तरह रहे। हमारी अन्नू? ओ जी, ये है जी वो कविता जी। अनमोल जी की पड़ोसन हूँ, अनमोल जी मेरे बड़े भाई की तरह है, तो इस हिसाब से मैं अन्नू की बुआ जैसी हुई ना। जी बुआ जैसी तो बहुत होती हैं, पर अन्नू की बुआ सिर्फ एक ही है और वो हूँ मैं, असली बुआ। हाँ जी हाँ जी, पर कुछ रिश्ते सालों की जान पहचान और प्यार मोहब्बत के भी होते हैं। अब देख लीजिए अन्नू और गुल्लू की दोस्ती जैसे। गुल्लू कौन है जी?
वो ये रात वाला गुल्लू? ओ हाँ हाँ दीदी। कविता जी दरअसल क्या हुआ ना, कल दीदी ने गुल्लू को अन्नू के खिड़की के पास देख लिया तो बहुत घबरा गई थी। ओ हाँ हाँ हाँ, गुल्लू भी घबराता हुआ दौड़ा दौड़ा आया, कह रहा था मैंने अन्नू के घर में एक भूतनी को देखा, भूतनी को। ये कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है बहन जी। अच्छे परिवार के मुंडे दूसरों के घर की लड़कियों की खिड़की में पत्थर नहीं फेंकते। ओ जी ना जी, पत्थर नहीं फेंका होगा, कंकड़ फेंका होगा, वो भी छोटा जिया। छोटा हो चाहे बड़ा हो, ना कंकड़ फेंको ना पत्थर फेंको। आपका मुंडा गुंडे मवाली जैसी हरकतें कर रहा है और आप कर रहे हैं। मेरे बेटे को आप गुंडा मवाली ना कहिए, इतना इल्जाम मत लगाइए मेरे पुत्र पे। हाँ अभी तो इल्जाम ही लगा रही हूँ जी, अगर फिर ऐसी हरकत की ना तो मेरे हाथ का मल्लम लगेगा। जब किसी को पड़ता है ना तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। देखिए अगर गुल्लू इधर आया है ना तो अन्नू ने बुलाया होगा उसे। अन्नू बुलाएगी ना तो मैं उसकी टंगे तोड़ के रख दूंगी, और गुल्लू आया ना तो उसके हाथ फुट के रख दूंगी। ओ दीदी अब आप ऐसे कैसे तोड़ सकती है उसके हाथ? और चुप तू। ओए अनमोल जी क्या? दीदी आप लोग इधर शोर मत मचाओ, या तो आप लोग सुलह कर लीजिए नहीं तो बाहर। कबूतरी ना होता। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी, मैं तो बहुत घबरा गई। और घबराने की लोड़ नहीं है। वैसे पंडित की बात सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई है, हमारी अन्नू फिर से दुल्हन बन जाएगी। उसका घर बस जाएगा। वाह भाई वाह। ये लो नाश्ता तैयार, आलू के पराठे, अचार और दही। यस, हम आशु जी को देकर आते हैं। अरे एक मिनट, क्या हुआ? एक बार अनु ने बताया था कि आशु जी को परांठे के ऊपर वाइट बटर बहुत पसंद है। यही डिटेल्स तो तुमसे सीखनी है गुलशन, तुम जो जो जानते हो प्लीज हमें बताते रहो, और जो जो अनु से पता कर सकते हो प्लीज पता करो। अब जल्दी से जाओ। थैंक्स। ओके, यू बीइंग अ ग्रेट स्पोर्ट। फैंटास्टिक, ये तो कमाल के पराठे हैं, और इसके ऊपर का व्हाइट बटर तो एकदम मास्टर स्ट्रोक है। तुम्हें कैसे पता मुझे व्हाइट बटर इतना पसंद है? पता नहीं, हमें बस लगा कि आपको ये पसंद आएगा। हमारी नानी कहती थी कि सुबह व्हाइट बटर खाने से इंसान पूरे दिन खुश रहता है, और हम चाहते हैं कि आप दिन भर खुश रहें। जानती हो अनु भी यही कहती थी। हमें पता है कि अनु और हमारा कोई मुकाबला नहीं। है ना? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इनफैक्ट तुमने तो ये सब कुछ गुलशन से बहुत जल्दी सीख लिया। इसके लिए तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैक, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? कल रात डिनर डेट। कल रात? ओके श्योर। मेरा नाराज होना तुम्हें असर करने लगा है आशु मेहरा? गुड, अब तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। मैं नाराज होती रहूंगी और तुम मनाते रहना। मैक, कहाँ खो गई? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कहाँ जाना है तुम्हें। सॉरी, हमारे घर पर। जरूर। हाँ एक और बात। हम वहाँ अनु और उसकी बॉयफ्रेंड हुशन को भी बुलाना चाहते थे।
हिम्मत दीजिए कि मैं आशु सर की मदद कर सकूं, महक की मदद कर सकूं। जितना दर्द देना है मुझे दीजिए, मैं सह लूंगी। लेकिन आशु सर के मन से हमेशा हमेशा के लिए अन्नू को मिटा दीजिए बाबा जी, प्लीज बाबा जी। मेरी मदद कीजिए बाबा जी। अनु और उसका बॉयफ्रेंड, पर वो क्यों? ताकि आप अनु का सामना करें, उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखें, जिस सच से आप छुप रहे हैं उससे रूबरू हो और फिर उससे आगे बढ़ जाएं। इमोशनल बैगेज ऐसे ही निकलते हैं आशु जी। नहीं मैं, I don't think so. But I think so. हमारी बात मानिए आशु जी। मैं, प्लीज मुझसे बहस मत करो, हम ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज आशु जी, हम ऐसा ही करेंगे, प्लीज। महक, प्लीज मुझसे जिद मत करो, वैसे भी ये मेरा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मामला, सही कहा आपने, ये आपका पर्सनल मामला है। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम आपके पर्सनल मामले में दखल दें। माफ कीजिएगा, हम तो भूल ही गए थे। वैसे भी हमें आपसे मिले हुए कुछ ही तो दिन हुए हैं, कितने बेवकूफ और इनसेंसिटिव हैं हम। हमें तो बस लगा कि हमें एक नया दोस्त मिल गया है और हम इस दोस्त को दुनिया की सारी खुशियां दे दें। बस माफ कीजिए। लुक महक, आई एम सॉरी। लुक, मेरा ये मतलब नहीं था। इट्स जस्ट दैट मैं जानता हूं कि अनु वहां आने के लिए कभी नहीं मानेगी। ये आप हम पर छोड़ दीजिए। नहीं, मेरी बहन ऐसी किसी डेट पे नहीं आएगी, मैं जानता हूँ वो नहीं आएगी। अरे, पर आज सुबह तो तुम कह रहे थे कि तुम अपनी बहन की पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं जानते। प्लीज एक बार उससे बात करके देखो। तुम उसका नंबर हमें क्यों नहीं दे देते, हम खुद उससे बात करेंगे। पता नहीं क्यों हमारा मन कह रहा है कि वो मना नहीं करेगी। अब अनु का फोन काम नहीं कर रहा है। देखिए, मैं जानता हूं वो नहीं आएगी। क्यों? आशु जी उसे अकेले मिलने के लिए तो नहीं बुला रहे ना? गुलशन, आशु जी अनु को खुश देखना चाहते हैं। वो उन दोनों को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं और फिर हमेशा के लिए आगे बढ़ जाना चाहते हैं। प्लीज एक बार अपनी बहन से कहो कि उनसे मिल लें। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। गुलशन, कोशिश करना काफी नहीं होगा, तुम्हें अपनी बहन अनु को मनाना होगा। अगर आशु जी को अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करनी है तो ये बहुत जरूरी है कि वो अनु से पूरी तरह से कट जाए। अनु का ख्याल तक नहीं आना चाहिए उनके मन में, और ये तभी हो पाएगा जब वो अनु और भूषण को एक साथ देखे।